बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2। यूनिट नंबर 1 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा बेसिक डेफिनेशंस। तो बेसिक डेफिनेशंस पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जो यूनिवर्स है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो यूनिवर्स जो है वो मैटर, एनर्जी और स्पेस से मिलकर बना है। ठीक है, अब स्पेस के लिए जो है वो साइंस की अपनी एक ब्रांच है, एस्ट्रोनॉमी, उसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एनर्जी जो है वो मेजरली हम कहाँ पे डील करते हैं, फिजिक्स में डील करते हैं। मैटर जो है, मैटर पे पूरा का पूरा केमिस्ट्री जो है वो मैटर पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैटर को हम केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। तो इसीलिए हम डेफिनेशन देख लेते हैं मैटर की, कि मैटर होता क्या है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसकी जो वॉल्यूम रखता हो और जो मास रखता हो। ठीक है, दो चीज़ें हैं, वॉल्यूम और मास। वॉल्यूम अगर आप इसको आम अल्फाज में देखो तो जगह घेरता हो। ठीक है, कोई ना कोई जगह वो घेरता हो। ठीक है, और मास भी साथ में रखता हो। तो आपको डायग्राम में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, दूध का ग्लास, उसका पैकेट, कोक की बोतल हो गई, बेल है आपके पास, बलून्स है, पेन हो गया, ठीक है, बुक्स हो गई, फ्रूट हो गया, जो भी चीज़ें हैं। अब आप इन चीज़ों को अगर ऑब्जर्व करो तो इनको आप अगर कहीं पे भी रखते हो तो कोई ना कोई जगह तो ये घेरते हैं। ठीक हो गया, कोई ना कोई जगह ये घेरते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास मैटर है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी भी है जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे हवा। हवा में कितने सारे गैसेस मौजूद हैं, वो हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ना कोई जगह घेरी हुई है। ठीक है, नज़र आए या ना आए वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन जगह घेरी होनी चाहिए। तो जो भी चीज़ जगह घेरे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो मैटर कहलाएगा। और सेकंड चीज़ क्या है, उसका मास है। तो मास को अब हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मास क्या होता है, किसी भी बॉडी में उस बॉडी की कितनी क्वांटिटी है, मैटर की कितनी क्वांटिटी है, वो कहलाता है मास। ठीक है, यानी फर्ज करो आपके पास एक ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में आपके पास है दूध। ठीक है, तो और आपका ये ग्लास जो है वो यहां तक फिल्ड है। अब इसमें मास क्या है, जितनी ये जगह इसने घेरी है इस ग्लास ने, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, आपने इसको रखा टेबल पे, जमीन पे, जहां पे भी जो जगह उसने घेरी वो तो इसका वॉल्यूम है। लेकिन इस ग्लास के अंदर जो मिल्क है, जो दूध है, उसके अंदर दूध के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद है वो कहलाता है मास। यानी किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, कि उसमें मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। तो मैटर क्या है, दूध है। तो दूध के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, उन मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो मास कहलाती है। और मास को हम कौन सी यूनिट में फाइंड आउट करते हैं, केजी में फाइंड आउट करते हैं। और सबसे जरूरी बात क्या है, कि मास जो है वो किसी भी बॉडी का कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर मास जीरो है तो इसका मतलब वो मैटर नहीं हो सकता। और हमारे आसपास ऐसी कोई भी चीज नजर नहीं आती जो कि मैटर ना हो। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसका मास जीरो हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यूनिट देखो, इसको हमने किस में मेंशन किया है, किलोग्राम्स में मेंशन किया है। अब यूजुअली होता क्या है कि हम मास और वेट को आपस में कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहां पे क्लियर कर लेते हैं इस पिक्चर के थ्रू। अब देखो मैं क्या कह रही हूं, कि मास जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जो कि किसी भी बॉडी में मौजूद हो। सही हो गया। जबकि वेट जो है वो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रही है। किसकी वजह से, जमीन की ग्रेविटी की वजह से, जमीन की कशिश सकल की वजह से। ठीक हो गया। तो इसलिए अगर आप इस डायग्राम को देखो, ये जमीन है हमारे पास, ये हमारे पास है चांद। ठीक है, एक ही इंसान है, उसका मास यहाँ पे जमीन पे 100 केजी है। वो जब चांद पे जाता है तो उसका मास क्या होता है, फिर भी जब देखा जाता है तो मास उसका फिर भी 100 केजी है।
लेकिन वही इंसान जमीन पे कितना वेट रखता है, 980 न्यूटन वेट रखता है। ठीक है, वेट का जो यूनिट होता है वो क्या है, न्यूटन है। ठीक है जी। अच्छा, अब यही इंसान गया मून पे, मून पे आप इसका वेट देखो कितना कम हो गया है, 162 न्यूटन हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप मून और जमीन को दोनों को कंपेयर करो तो आपको पता होगा कि जमीन पे कशिश शक्ल ज्यादा होती है, ग्रेविटी ज्यादा होती है, जबकि मून पे ग्रेविटी कम होती है। तो जितनी ग्रेविटी कम होती गई उतना वेट कम हो गया, जितनी ग्रेविटी ज्यादा थी उतना वेट ज्यादा था। लेकिन अगर आप मास को देखो तो मास जो है वो जमीन पर भी वही है और चांद पर भी वही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मास जो है वो जगह बदलने से चेंज नहीं होता। यानी अगर आपने इसमें 1 लीटर दूध डाला है एक ग्लास में, ठीक है, सपोज आपने इसको 1 लीटर दूध एक ग्लास में डाला है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस ग्लास में इस दूध के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो अलग होंगे कि अगर आप इसी दूध को जग में डाल दो। जग में भी उसके इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्लास में भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, एक कमरे में भी उसके इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर आप सहन में खड़े हो के बाहर उसको रखो तो भी इसमें उतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसका मतलब मास जो है वो जगह के बदलने से चेंज नहीं होता। ठीक है जी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी मास और वेट के दरमियान। तो मास को हम यूजुअली जो हम वेट के लिए केजी वगैरह यूज करते हैं वो गलत होते, वो हमारी गलत प्रैक्टिस है। केजीज जो है वो किसके लिए यूज होती है, वो मास के लिए यूज होती है। फोर्स के लिए जो वेट के लिए जो यूनिट है हमारे पास वो न्यूटन है, क्योंकि वेट जो है वो एक फोर्स है। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो कि वॉल्यूम रखती हो या फिर मास हो उसका, तो वो मैटर कहलाता है। अब मैटर की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो मैटर के दो किस्म के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन को हम उसके टाइप्स में देख लेंगे कि कौन सी स्टेट से फिजिकल स्टेट्स, उसकी सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, प्लाज्मा हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है, तो हम सीधे केमिकल क्लासिफिकेशन की ही तरफ चलेंगे। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में देखेंगे। तो केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो मैटर क्लासिफाइड है कि किन चीजों में, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में और मिक्सचर्स में, ठीक है जी। अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखें तो मैटर के दो पार्ट्स है, ठीक है, मैटर के दो कंपोनेंट्स है, एक कहलाता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा कहलाता है मिक्सचर। मिक्सचर की मजीद कोई ब्रांच नहीं है, लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर डिवाइडेड है दो चीजों में, एलिमेंट में और कंपाउंड में, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले, हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है, तो हम सबसे पहले इन्हीं दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी कर लेंगे। तो हमारे पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है। अब अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्योर सब्सटेंस जो होता है वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो करता है हर दफा, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हर दफा चेक करने पे, जबकि मिक्सचर जो है उसकी प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पे बेस करती है, यानी जिन चीजों से वो मिलकर बना है उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता है। फर्ज करो मैं कह रही हूं कि आप शुगर सिरप बना रहे हो, ठीक है, आप शीरा बना रहे हो, आपने पानी लिया, आपने शुगर लिया। अब अगर आप एक चम्मच शुगर एक ग्लास में डाल रहे हो तो भी वो मिक्सचर है, ठीक है। अगर आप दो चम्मच शुगर एक ग्लास पानी में डाल रहे हो तो भी वो मिक्सचर है। तो अब एक दफा क्या है, एक चम्मच है, दूसरी दफा कितना हो गया, दो चम्मच है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टीज जो है, मिठास जो है वो ज्यादा होगी ना फिर। तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है, अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट से चेंज हो रही है। मैं चीनी की अमाउंट ज्यादा कर रही हूं तो मिठास ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी इसके अमाउंट कम या ज्यादा करने की वजह से चेंज होती है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी प्रॉपर्टी हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। अब जैसे पानी है, पानी 1 लीटर लो या 10 लीटर लो, पानी की प्रॉपर्टी सेम ही है,
वो बार बार चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी है, यहाँ पे मिक्सचर की यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट जो है यानी जिन चीजों से मिलकर बना होता है उनके अमाउंट पे बेस्ड होती है, उनके अमाउंट पे चेंज होती रहती है। एग्जाम्पल अगर हम देखें प्योर सब्सटेंस की तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब अगर आप एक ग्लास पानी भी उबालोगे तो भी वो कब उबलेगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। और अगर आप 10 लीटर पानी भी उबालोगे तो भी वो कब बॉयल होगा, जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस को पहुंचेगा। तो इसका मतलब पानी के कम या ज्यादा होने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही। उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, तो इसका मतलब चाहे आप एक ग्लास बॉयल करो तो भी वो 100 पे बॉयल होगा, या फिर 10 लीटर बॉयल करो तो भी वो 100 पर ही बॉयल होगा। जबकि यहाँ पे अगर आप शुगर सिरप की जो बात करते हो, अगर उसी को आप बॉयल कर लो, तो आपको पता है कि पानी का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो शुगर आपने ऐड किया है उसमें, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 160 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 पर जब टेम्परेचर आएगा तब सिर्फ पानी बॉयल होगा, सिर्फ पानी निकल जाएगा वहां से, लेकिन शुगर तो फिर भी बचा रहेगा। शुगर कब बॉयल होगा, 160 पे। तो यानी एक मिक्सचर है लेकिन कितने बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 बॉइलिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो चीजें मिलकर ये मिक्सचर बना रहे हैं ये उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, जबकि वहां पे जो प्योर सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। यहां तक बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, हमारे पास डायग्राम है, पानी प्योर सब्सटेंस है, और यहाँ पे हमारे पास ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी है, मिक्सचर की है। चाहे लेमनेड है, चाहे वो एक रॉक का टुकड़ा है, ठीक है, वैसे तो वो सिर्फ हमें एक पहाड़ का टुकड़ा नजर आता है, लेकिन उसमें अलग अलग मिनरल्स होते हैं, दूसरे रॉक्स होते हैं, ठीक है, एक नहीं होते, अलग अलग रॉक्स इसमें मिक्स होते हैं। अगर आप कोई सलाद की ड्रेसिंग देख लो जिसमें आपको पता है कि ऑलिव ऑयल भी मौजूद है, इसमें सिरका भी मौजूद है, इसमें मसाले भी मौजूद है, तो वो भी वो क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, ठीक है। इसी तरह खाद है, मिक्स फ्लावर्स है ये, यानी इस खाद को अगर आप डालो तो आपके पास एक किस्म के फ्लावर्स नहीं उगेंगे बल्कि अलग अलग किस्म के फ्लावर्स उगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सीड्स जो है वो अलग अलग फ्लावर्स के हैं, तो भी ये मिक्सचर कहलाता है। लेमनेड, आप क्या इसमें डाल रहे हो, पानी है, लेमन का जूस है, शुगर है, तीन चीजें मिली हुई है, तो भी क्या है, ये हमारे पास मिक्सचर है। अच्छा जी, अब हमने पहले बात की प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की, फिर मैंने आपको बताया कि मिक्सचर की फर्दर कोई ब्रांच नहीं है लेकिन प्योर सब्सटेंस की ब्रांचेस है, यानी प्योर सब्सटेंस फिर फर्दर सब डिवाइडेड है। किन चीजों में सब डिवाइडेड है, एलिमेंट में और कंपाउंड्स में। तो पहले हम एलिमेंट देख लेते हैं। अच्छा जी, एलिमेंट जो है क्या है, कोई भी प्योर सब्सटेंस का वो सैंपल जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे हो, जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे हो। जैसे अगर फर्ज करो मैं बात कर रही हूं आयरन मेटल की, हमारे पास है एक आयरन रॉड। अब इस आयरन रॉड में हमें नहीं पता कि कितने एटम्स हैं, लेकिन ये हमें पता है कि इसमें जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे एटम्स सिर्फ और सिर्फ आयरन के होंगे। इसके साथ, आयरन के साथ कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। तो जब सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो, सारे के सारे एटम्स एक जैसे हो किसी प्योर सब्सटेंस के सैंपल में, तब हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारे पास एलिमेंट है। तो अब ये रॉड हमारे पास आयरन का है, तो अब इसमें हजारों के अगर तादाद में एटम्स है तो वो हजारों की तादाद के एटम सारे के सारे क्या होने चाहिए, वो आयरन के ही होने चाहिए। अगर हजारों में नहीं लाखों में है तो भी वो आयरन के ही होने चाहिए। अगर 2 एटम्स है तो भी वो आयरन के ही होने चाहिए। तो जब एलिमेंट में जब एटम्स एक जैसे हो तब वो क्या कहलाएगा, हमारे पास एलिमेंट कहलाएगा।
ठीक है। इस जैसे हम आयरन का रॉड लेते हैं तो आयरन में सारे के सारे जो एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही होते हैं। इसी तरह अगर हम वुड की एग्जांपल देख ले तो वुड जो है वो उसको हम एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि सारे के सारे जो उसमें एटम्स है वो सिर्फ वुड के नहीं होते बल्कि उसमें बाकी चीज़ों के भी मिकदार मौजूद होती है, अलग अलग किस्म के एटम्स मौजूद होते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पता होगा कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास उसमें एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है उसमें जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं और गैसेस में भी पाए जाते हैं। सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल्स एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम, कॉपर, ठीक है। लिक्विड्स में ब्रोमीन, मरकरी जो आप थर्मामीटर्स में यूज करते हो। गैसेस में नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ठीक है। यानी जो एलिमेंट्स है वो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं और गैशियस फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये कह दिया कि सारे जो एटम्स है वो एक जैसे होने चाहिए। अब जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती हैं। अगर हम इसको एग्जांपल देखें तो जो हमने पीछे गैसियस स्टेट की बात की थी उसमें हमने बात की थी नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की। अब आप इन तीनों को अगर अलग अलग देखो तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 195.8, ऑक्सीजन का है -183 और हाइड्रोजन का है -252.9। तो क्या है, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स हैं लेकिन हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो अलग है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग है। ये क्या है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। हमने क्या कहा कि एलिमेंट्स की हर अलग जो एलिमेंट है वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल भी। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स है ये हमारे पास क्या हो गई? ये फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी तरह जब हम इसको केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो भी हमारे पास अलग अलग चीजें बनती हैं। अब आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो पानी बनाते हैं, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इसका मतलब जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं, एक दूसरों के जैसे नहीं होते हैं। अच्छा जी, अब हमने पीछे ये बात की कि एलिमेंट जो है प्योर सब्सटेंस का ऐसा सैंपल है जिसमें सारे के सारे एटम्स एक जैसे होने चाहिए, सही? बिल्कुल ठीक बात है। आयरन है तो सारे के सारे एटम्स किसके होने चाहिए? आयरन है। अगर गोल्ड है तो इसका मतलब सारे के सारे एटम्स किसके होने चाहिए? गोल्ड के होने चाहिए। अब इसी चीज को अगर हम मजीद थोड़ा सा एलेबरेट करें, थोड़ा सा और समझे, तो हम क्या कहेंगे कि एटम्स जो है वो तो आइडेंटिफाई होते हैं उनके एटॉमिक नंबर्स की बेस पे, है ना। हम जब पीरियोडिक टेबल में भी एटम्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो हम कैसे उनको पहचानते हैं? उनके एटॉमिक नंबर की वजह से। एलिमेंट्स को जब अरेंज किया जाता है पीरियोडिक टेबल में तो भी उनको किस हिसाब से अरेंज किया गया है? उनके एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से। तो एटॉमिक नंबर्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, है ना। अच्छा जी, तो अब हम इसी चीज को अगर जहन में रखें तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी जो एलिमेंट है उसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब कि उसमें जितने भी एटम्स हैं वो एक जैसे तो होंगे। एक जैसे कैसे होंगे? कि उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। तो इसी को हम अगर उसी एग्जांपल में पुट करें आयरन रॉड वाली में, तो हमने ये कहा था कि आयरन रॉड में सारे के सारे एटम्स जो हैं वो एक जैसे हैं, मतलब सारे के सारे एटम्स किसके हैं? आयरन के ही हैं। अब हमने मजीद उसको कैसे एक्सप्लेन कर दिया कि आयरन रॉड में जो सारे के सारे एटम्स हैं वो एक जैसे तो है, और उस एक जैसे के होते हुए उनमें एक बात ये है कि उन सब का एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है।
क्यों? क्योंकि आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक टेबल में 26 है, तो इसका मतलब हजारों की तादाद में भी अगर एटम्स मौजूद है उस आयरन रॉड में, तो उस हर एक एटम का एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे हम क्या कह रहे हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हर एक को नाम से नहीं जानते, ठीक है, उनको हम नाम से जाहिर नहीं करते, बल्कि उनको हम शॉर्ट नेम देते हैं, ठीक है, एक सिंबल देते हैं, ठीक है, उनको सिंबल से जाहिर करते हैं। अब जो सिंबल है वो कैसे चूज किया जाता है ये हम देखेंगे। जो सिंबल है, कुछ केसेस में ऐसा है कि उनका फर्स्ट लेटर जो है उसको चूज किया जाता है। यानी फर्ज करो आपके पास सबसे पहला एलिमेंट क्या है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन है, है ना? ठीक है, हाइड्रोजन इंग्लिश नाम है, ठीक है। अब इस इंग्लिश नाम का पहला लेटर क्या है? एच है। तो ये जो एच है इसको कैपिटल लेटर में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। तो इस एच को अब हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन का सिंबल कहेंगे। और जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो भी किस पे बना हुआ है? सिंबल्स पे बना हुआ है, वो नामों पे नहीं बना हुआ। आप पीरियोडिक टेबल जब देखोगे तो आपको वहां पे सिंबल बने हुए मिलेंगे, ठीक है। एच हो गया, ऑक्सीजन के लिए ओ हो गया, कार्बन के लिए सी हो गया, नाइट्रोजन के लिए एन हो गया। यानी इनके जो इंग्लिश नाम है उनका पहला पहला जो हर्फ है उसको लिया है और उसको भी किस में लिखा है? कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम उनकी क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। आगे चलते हैं। ये हो गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल। आपको नजर आ रहा है पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे क्या मेंशन है? अब जैसे ये बी है, ये बी क्या है? बोरोन, ठीक है। नाम क्या है? बोरोन है, इंग्लिश नाम है। तो पहला लेटर उसका क्या है? बी। और बी को हमने क्या लिखा है? कैपिटल लिखा है। ऊपर ये जो पांच है ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एग्जाम्पल हमने ली थी किसकी? एग्जाम्पल हमने ली थी आयरन की। अब आप आयरन देखो, एफ ई, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 26। तो इसका मतलब जितने भी उसमें एटम्स होंगे वो कितने होने चाहिए? 26 एटॉमिक नंबर के ही होने चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि नेमिंग जो है, जो सिंबल है वो कैसे होते हैं। तो पहले हमारे पास ये लिस्ट है कुछ एलिमेंट्स की जिनके इंग्लिश नामों के पहले पहले हुर्फ को लिया हुआ है। इन सब के नाम इंग्लिश नाम है, ठीक है। इन सब का पहला पहला जो अल्फाबेट है वो लिया है। आप देखो, हाइड्रोजन के लिए एच, ऑक्सीजन के लिए ओ, नाइट्रोजन के लिए एन, कार्बन के लिए सी, फ्लोरीन के लिए एफ, आयोडीन के लिए आई, बोरोन के लिए बी, सल्फर के लिए एस। और इन सब को अब अगर आप नोट करो तो इन सब को हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो ये तो कुछ मिसालें ऐसी हो गई कि जिनमें नाम इंग्लिश के होंगे और हमने सिर्फ पहला पहला जो सिंबल है, पहला पहला अल्फाबेट जो है वो लेना है और उसको हमने किस में लिखना है? कैपिटल लेटर्स में मेंशन करना है। अब सबके लिए ये चीज अप्लाई नहीं हो सकती। अगर सबके लिए ये चीज अप्लाई होगी तो रिपीटेशन होगी, ठीक है। अब आप फर्ज करो, कार्बन हमारे पास सी से आता है, ठीक है, कैल्शियम जो है वो भी हमारे पास सी से आता है। तो अगर हम कार्बन के लिए भी सी लिख देते और कैल्शियम के लिए भी सी लिख देते तो कंफ्यूजन थी ना। तो सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता। कुछ के लिए तो हमने ये केस कर दिया, अब बाकियों के लिए क्या करना है? कुछ फिर ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए पहला और दूसरा जो हर्फ है वो लेंगे, पहला और दूसरा हर्फ लेंगे किससे? इंग्लिश नाम से, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम में हमने पहला एल लिया है, दूसरा हमने क्या लिया है? आई लिया है। लेकिन पहले अल्फाबेट को फिर भी हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरे अल्फाबेट को हमने क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है। और एक चीज ये याद रखिएगा कि इसको आप जोड़ के नहीं लिख सकते, इसको आप ज्वाइनिंग राइटिंग में नहीं लिखेंगे, इसके दरमियान स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बेरिलियम है बी और ई,
बी कैपिटल ई स्मॉल, एल्यूमिनियम में ए कैपिटल एल स्मॉल, नियॉन एन कैपिटल ई स्मॉल, निकल एन कैपिटल आई स्मॉल। ठीक है, तो कुछ नाम फिर ऐसे अरेंज हो गए कि जिसमें इंग्लिश नाम ही लेंगे और इंग्लिश नाम के पहले जो दो हरफे यानी पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर क्या होगा स्मॉल होगा। ठीक हो गया, अब तक हमारे पास कितने किस्म के सिंबल्स आ चुके हैं, दो किस्म के। एक किस्म में हम सिर्फ पहला हर्फ ले रहे हैं और वो कैपिटल ले रहे हैं, दूसरे किस्म में हम पहला और दूसरा हर्फ ले रहे हैं जिसमें पहला हर्फ हमारे पास कैपिटल होगा, दूसरा जो हर्फ है वो हमारे पास स्मॉल लेटर्स में होगा। अच्छा, अब तीसरी किस्म आ गई। तीसरी किस्म उन एलिमेंट्स की है कि जिसमें हम पहला और मिड नेम लेंगे। ठीक है, पहला या तीसरा, तीसरा जो कि यूजुअली तीसरा होता है या फिर मिड होगा। ठीक है, अब आप देखो क्लोरीन में सी पहला है, उसके बाद एच हमने नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद हमने लिया एल, फिर क्रोमियम में सी और आर, कैडमियम में सी और डी, मैग्नीशियम में एम और जी, यानी पहला लेटर और मिड लेटर। मिड लेटर जो कि अगर आप इसको ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यूजुअली तीसरा लेटर है। तो पहला लेटर अगेन कैपिटल होगा, जो दूसरा लेटर है उसका जो कि तीसरा या मिड लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो तीसरी किस्म हमारे पास कौन सी आ गई, जिसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो मिड लेटर है यानी बीच का कोई लेटर वो क्या होगा स्मॉल होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब तक जो हम नेमिंग पढ़ रहे थे वो नेमिंग की क्या थी सारी, वो इंग्लिश नेम्स थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या एग्जांपल है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे एलिमेंट्स की जिसमें नाम जो है वो उसके इंग्लिश नाम नहीं है। कुछ एलिमेंट्स जो है वो प्री हिस्टोरिक एरा से यानी जब पीरियोडिक टेबल नहीं भी बना था उस टाइम से जो उनके नाम थे उनके नाम चेंज नहीं किए गए। ठीक है, उनके नाम वैसे के वैसे रहे, बल्कि उनके नाम चेंज कर दिए गए लेकिन सिंबल्स जो हैं वो उनके पुराने नामों के बेस पे थे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो पांच नाम हैं ये इनके ग्रीक या लैटिन नेम्स हैं। ठीक है, इंग्लिश नेम चेंज होके ये आ गए लेकिन जो सिंबल है वो इन लैटिन नेम्स के बेसिस पे है। अब पहला देखो, गोल्ड मेटल है हमारे पास पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, लेकिन गोल्ड का हमने ना जी सिंबल लिखा है, ना ओ, ना एल, ना डी। ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिंबल गोल्ड का क्या है, ए यू है। कहाँ से आया ए यू, यहाँ से आया कि गोल्ड का जो पुराना नाम था वो ऑरम था, तो ऑरम का ए और यू यानी ए कैपिटल यू स्मॉल। इसी तरह सिल्वर का पुराना नाम था अर्जेंटम, तो इसलिए ए और तीसरा अल्फाबेट जी। मरकरी का पुराना नाम था हाइड्रोजायरम, तो ए और इसका ये मिड वाला ना जी। ठीक, सोडियम का, अब सोडियम देखो एस से होता है ना, लेकिन हमने सोडियम को कभी सिंबल में एस से तो नहीं लिखा, हम तो एन ए लिखते हैं। क्यों, क्योंकि पुराना नाम उसका क्या है, नेट्रियम है यानी एन ए। इसी तरह कॉपर का पुराना नाम क्या था, क्यूप्रम था, इसलिए सी यू। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पे एक चीज ये भी नोट कर लीजिए कि पीरियोडिक टेबल में टोटल जो एलिमेंट्स है वो है 118। ठीक, 118 एलिमेंट्स में से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकरिंग है। ठीक है, वो नेचुरली पाए जाते हैं और बाकी जो सारे के सारे हैं उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है यानी आर्टिफिशियली लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट्स और उसकी नेमिंग और उसके सिंबल कंप्लीट हो गए। जगह है जहाँ पे एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन है, यानी सोलर सिस्टम में कौन से एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है, अर्थ क्रस्ट में कितनी है, एटमोसफियर में कितनी है, ह्यूमन बॉडी में कितनी कितनी परसेंटेज है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में आपने देख लिया कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज है,
सिंबल्स के हिसाब से अरेंज है। तो यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स शोन है ताकि आपको ये पता चल सके कि ये जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं इनका यूज क्या है। यानी पीरियोडिक टेबल सिर्फ बनने की हद तक नहीं है बल्कि हर एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं यूज होता है, जरूरी है। तो आपको यहाँ पे इन डायग्राम्स के थ्रू पता चल जाएगा। अब आप देखो प्लैटिनियम जो है वो लैब वेयर में यूज होता है, यानी लैब में जो सारा का सारा सामान होता है वो प्लैटिनियम से बना होता है। बिजली की जो वायरिंग होती है वो किससे बने होते हैं, कॉपर से बना होता है, ठीक है। निकल से सिक्के बनते हैं, ठीक है। कोबाल्ट से मैग्नेट बनते हैं, मकनातीस बनता है। कैडमियम से पेंट बनता है, ठीक है, रंग बनता है। सिल्वर से और गोल्ड से क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है, ठीक है ना। लेड से हमारे पास ये वेट्स बनते हैं, ठीक है। एंटीमनी से बैटरीज बनते हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उन अलग अलग एलिमेंट्स के अपने अपने यूजेज हैं, वो कहीं ना कहीं यूज होते हैं। यूं ही नहीं पीरियोडिक टेबल बना, यूं ही नहीं ये अरेंज हुए, बल्कि इनके अपने यूजेस होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट तो क्लियर हो गया, दूसरी कौन सी उसकी सब डिविजन थी, कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड पे आ जाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम क्या कहेंगे कि जब दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि सेम अगर होंगे तो फिर तो वो एलिमेंट ही रहेंगे, है ना, ठीक है। आयरन आयरन एलिमेंट ही रहेगा, लेकिन आयरन के साथ जब कॉपर मिलेगा तो फिर वो क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है जी। तो जनरली कंपाउंड जो है उसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल किसके लिए है, वाटर के लिए है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि वाटर को एज अ कंपाउंड भी ट्रीट किया जाता है, एज अ मॉलिक्यूल भी काउंट किया जाता है, ठीक है। साइंटिस्ट जो है कभी इसको एज अ कंपाउंड काउंट कर लेते हैं, कभी एज अ मॉलिक्यूल काउंट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब इस एग्जांपल में क्या है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर का कंपाउंड है। ग्लूकोज भी एक एग्जांपल है कंपाउंड का। टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, वो भी एग्जांपल है किसका, कंपाउंड का, ठीक है। अब आप देखो ये टेबल सॉल्ट है, इसमें हमारे पास एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ठीक है, आपस में मिले क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो हमने क्या कहा कि दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट जब आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये दो टाइप के एलिमेंट है। ग्लूकोज में आप देखो C है, H है, O है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दो टाइप्स के एलिमेंट की भी एग्जांपल हमें मिल गई, दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स अगर कंबाइन हो रहे हैं उसकी भी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, ग्लूकोज की है। तो दो या दो से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स जब कंबाइन होंगे तब हमारे पास क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज क्या है, एक प्रॉपर्टी तो हम पीछे जब मिक्सचर डिस्कस कर रहे थे तभी हमने डिस्कस कर ली थी कि जो प्रॉपर्टीज है वो यूनिफॉर्म है, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या प्रॉपर्टी देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड जो है वो एक केमिकल चेंज है, ठीक है, वो फिजिकल चेंज नहीं है, वो केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज जो है वो इजीली रिवर्स बैक नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है कि अगर सोडियम और क्लोरीन ने मिल के सोडियम क्लोराइड बनाया है तो इस सोडियम क्लोराइड को वापस तोड़ के सोडियम और क्लोरीन में बदलना मुश्किल होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इजीली रिवर्सिबल नहीं है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या है कि कंपाउंड्स में जो प्रोपोर्शन होती है एलिमेंट्स की वो फिक्स होती है, यानी कितने एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कितनी तादाद में कंबाइन हो रहे हैं, वो नंबर जो है वो फिक्स होगा, वो आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हम पानी की एग्जांपल देखेंगे, हम कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलके बनाते हैं पानी, है ना।
H2O. तो इसका रेशियो क्या है? 2:1. 2:1 यानी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल. ठीक है, अब जब भी दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर का कंपाउंड बनेगा. लेकिन अगर कभी ये रेशियो चेंज हो गया तो फिर हमारे पास वाटर का कंपाउंड नहीं बनेगा. यही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है एलिमेंट्स का, वो फिक्स रहेगा. अब अगर यही हाइड्रोजन मैं लूँ और यही ऑक्सीजन लूँ और इसका रेशियो हम कर दें 2:2, तो क्या पानी बनेगा? बिल्कुल भी नहीं. पानी के बजाय हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक गैस है, जबकि पानी क्या है हमारे पास? लिक्विड है. तो इसका क्या मतलब है कि ये प्रोपोर्शन चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा कंपाउंड चेंज होगा. तो ये प्रॉपर्टी है इसकी कि एक तो ये केमिकल चेंज है, दूसरी चीज ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स की तादाद, जितने एलिमेंट्स की तादाद कंबाइन हो रही है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स होगी. अगर वो चेंज होगी तो अलग कंपाउंड बनेगा, वो सेम कंपाउंड नहीं बनेगा. क्लियर हो गई बात? ये हो गई हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी. आगे चलते हैं. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कंपाउंड जब बनता है तो जिन चीजों से कंपाउंड मिलकर बनता है उन चीजों से कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज होती है. अब फर्ज करो हम क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है. ठीक है, अब वाटर बना किन चीजों से है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है. तो अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज अब देखो, ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो जल सकता है, जलता है. ऑक्सीजन जो है वो जलने में मदद देता है. ठीक है, लेकिन इसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जब बनाया वाटर, तो ये वाटर जो है ये आग को बुझाने में मदद देता है. इंटरेस्टिंग है ना कि जिन दो चीजों से मिलकर पानी बन रहा है, पानी का कंपाउंड, वो दोनों चीजें तो खुद ही जलने में मदद दे रही है, लेकिन जब वो दोनों आपस में मिली और उन्होंने कंपाउंड बनाया पानी का, तो उसकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल चेंज थी. वो जलने में मदद देती है, पानी जो है वो आग बुझाने में मदद देता है. तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या चीज प्रूव हो गई? कि जिन एलिमेंट्स से मिलकर कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उन एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल चेंज होती है. ठीक हो गया. उसके बाद हम क्या कहते हैं कि कंपाउंड जो है उनको हम छोटे सिंबॉलिक नाम से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला. ठीक है, जैसे हमने एलिमेंट का कहा था कि एलिमेंट को भी हम सिंबल से शो करते हैं, वैसे ही कंपाउंड को भी हम सिंबल से शो करते हैं और उस सिंबल को हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला. अब फॉर्मूला जो है वो क्या शो करता है? एलिमेंट्स को शो करता है कि उस कंपाउंड में कितने एलिमेंट्स मौजूद है और कितनी तादाद में मौजूद है. अब फर्ज करो हमारा कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड. ठीक है, तो हमने नाम नहीं लिखा, हमने सिंबल लिखा. तो ये सिंबल क्या है? उसका फॉर्मूला है. अब ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है? कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं, यानी एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं. और यहाँ पे कोई पावर नहीं है, कोई सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट नहीं है. तो इसका मतलब एक ही सोडियम और एक ही क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स भी बता रहे हैं और टाइप ऑफ एटम्स भी बता रहे हैं. इसी तरह अगर हम देखें कि C6H12O6 है, ग्लूकोज, तो अब आप देखो हमें यह भी पता चल रहा है इस फॉर्मूले से कि इसमें तीन किस्म के एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तीन किस्म हो गए. और हर एलिमेंट की कितनी तादाद है वो भी हमें पता चल रही है. कार्बन की 6 है तादाद, हाइड्रोजन की 12 है, ऑक्सीजन की वापस 6 है.
तो ये जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या बताता है, टाइप भी बताता है कि कौन सी टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बना रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कितनी तादाद में कंबाइन होके ये कंपाउंड बना रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा मिक्सचर को भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मिक्सचर क्या है? कंबिनेशन है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का, यानी प्योर सब्सटेंसेस जब दो या दो से ज्यादा आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो मिक्सचर बनाते हैं। लेकिन वो मिलेंगे कैसे, कि वो अपने अपने कैरेक्टर्स को शो करेंगे। या इसको ज्यादा हम अगर एलेबोरेट करें तो ये है कि वो जो है केमिकली नहीं मिलेंगे बल्कि फिजिकली कंबाइन होंगे। कंपाउंड्स में हमने क्या कहा था कि वो केमिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन मिक्सचर जब बनता है तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, ठीक है, सब्सटेंसेस वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, तब जाके हमारे पास मिक्सचर बनता है। ठीक है, आपके पास ये दो एग्जांपल्स भी गिवन है। अब देखो ये कैंडीज है, सारी की सारी कैंडीज है, डिफरेंस क्या है, कलर का डिफरेंस है। तो जब हमने अलग अलग कलर के कैंडीज उठा के एक साथ मिक्स कर दी तो ये हमारे पास क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। इसी तरह आप ड्राई फ्रूट्स ले लो, ठीक है, आप अलग अलग किस्म के ड्राई फ्रूट को एक साथ रखो, वो भी मिक्सचर हो गया। ठीक है, तो फिजिकली जब आप कंबाइन करते हो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मिक्सचर कहलाता है। इसी तरह ये कपड़े की मिसाल है। अब एक ही डिजाइन में ये कपड़ा है लेकिन कितने कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स हैं, तो क्या है, ये मिक्सचर है। ठीक है, कॉमन एग्जाम्पल हम इसके क्या लेते हैं, शुगर सिरप की लेते हैं। एयर एक एग्जाम्पल है, नजर नहीं आती आपको एयर, लेकिन एयर एक मिक्सचर है। क्यों? उसमें नाइट्रोजन गैस भी है, उसमें ऑक्सीजन गैस भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, बाकी भी गैसेस है, तो सारे गैसेस का मिक्सचर क्या है, एयर है। ठीक है जी, तो फिजिकली जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या एलिमेंट्स कंबाइन होंगे वो क्या कहलाएगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है, वो चेंज होंगी कंपोनेंट्स के हिसाब से, कि किन चीजों से मिलकर वो बना हुआ है उनके हिसाब से इनकी ये प्रॉपर्टीज चेंज होगी। दूसरी बात ये है कि हमने अभी कहा डेफिनेशन में ही कि मिक्सचर फिजिकली बनता है, तो इसका मतलब जब ये फिजिकली बनता है तो इसकी सेपरेशन के लिए जो हम टेक्निक्स यूज करेंगे वो भी फिजिकल मेथड्स होंगे। जैसे अगर हम शुगर को वापस अलग करना चाहते हैं पानी से, ठीक है, जो शुगर सिरप हमने बनाया, मिक्सचर बनाया, अब हम उसको अलग करना चाहते हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसको चूल्हे पे रखेंगे, उसको एवेपोरेट करेंगे, पानी जो है वो गैसेस की फॉर्म में निकल जाएगा, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, शुगर रह जाएगा। तो ये जो मेथड है ये क्या मेथड है, ये फिजिकल मेथड है। तो मिक्सचर जो है वो फिजिकल मेथड से बनता है और फिजिकल मेथड से ही सेपरेट होता है। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हम यहां पे जरा देख लेते हैं डिफरेंस के, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। कंपाउंड जो है वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, मिक्सचर इम्प्योर होते हैं। कंपाउंड जो है वो केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, मिक्सचर जो है वो फिजिकली बनते हैं। कंपाउंड जो है वो इजीली रिवर्स बैक नहीं हो सकते, जबकि मिक्सचर जो है वो किसी भी स्टेज पे वापस अलग हो सकते हैं फिजिकल मेथड के थ्रू। कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल चेंज होती है जिन चीजों से मिलकर वो बने होते हैं, ठीक है, लेकिन मिक्सचर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज जिन कंपोनेंट से बने होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज शो करता है हर एक की अलग अलग, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उनकी फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, यानी वो जो रेशो की बात हमने की थी तो रेशो फिक्स्ड होता है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशो नहीं है। आप एक ग्लास में 10 चम्मच चीनी हल करो या एक चम्मच हल करो, मिक्सचर दोनों ही सूरतों में है, ठीक है, तो कंपोजिशन का कोई मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, जबकि मिक्सचर के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं होते। तो आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।